कोविड के चलते जहां इस बार पूरा सिस्टम चेंज हुआ है, वहीं इसका काफी हद तक असर शिक्षा पर भी पड़ा है। इस बार पढ़ाई ऑनलाइन होने के चलते छात्र ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाए, जिसका असर अब सिलेबस पर भी पड़ने जा रहा है। CBSE द्वारा पिछले दिनों 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का सिलेबस कम किया गया, जिसकी तर्ज पर अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी 30% तक सिलेबस कम करने जा रहा है। इसको लेकर लगभग सब कुछ तय कर लिया गया, लेकिन पाठ्यक्रम से कितने चैप्टर या कौन कौन से चैप्टर हटाए जाएंगे, इसका फैसला अभी होना बाकी है। वहीं हरियाणा सरकार अब स्कूल खोलने जाने पर भी जल्द फैसला सुना सकती है। देखिए, ऐसा है, NCERT द्वारा गाइडलाइंस अभी जारी हुई हैं CBSE के लिए। वहाँ पर 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि COVID-19 के तहत जो है बच्चों को, क्योंकि क्लासेस नहीं लगी, अभी पहले दिन से नहीं क्लासेस लगी, ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, लेकिन बच्चे कई बार उस चीज़ों को नहीं कर पाते। कुछ चैप्टर हो गए हैं, कुछ चैप्टर रह रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र संभावना है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी जो है अपनी कक्षाओं के जो सिलेबस हैं उनको रिड्यूस करने के बारे में विचार हो रहा है वहाँ पर भी, और ये बच्चों की सुविधा को देखते हुए और बच्चों के हित में ही किया जाएगा। और जैसे ही हमारे पास ये आ जाएगा कि इतना सिलेबस हमने रिड्यूस करना है, कौन से चैप्टर करना है, तो वो बच्चों को हम बता देंगे, साथ के साथ बताएंगे। हाँ, मुख्य कारण यही है, क्योंकि पहले तो देखिए कक्षाएं रेगुलर चलती थी, अब कक्षाएं रेगुलर हो ही नहीं पा रही हैं, तो इसी कारण से ही ये संभावना है। जैसा हमें पता लगा है, वो कुछ मीटिंग्स इस बारे में हो भी चुकी हैं, और जुलाई में भी एक मीटिंग हुई थी, तो जल्दी ही इसके ऊपर निर्णय होगा, और जैसे ही वो निर्णय होगा हम बच्चों का अवगत कराएंगे। हाँ, कुछ चैप्टर्स में से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टॉपिक कम कर दिए जाएँ, और ये भी हो सकता है कुछ चैप्टर पूरे के पूरे हटा दिया जाए। वो डिपेंड करेगा, क्योंकि एक पूरी कमेटी बैठती है इस काम के लिए, और वो पूरी टीम बैठेगी, वो टीम निर्णय लेगी, जैसा निर्णय लेगी बिल्कुल वैसा ही हम लागू करेंगे यहाँ पर। ये अभी 9th, 10th, 11th और 12th क्लासेस को लेकर ही है। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स, और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव